फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। क्या रोल रहा रूरल इंडिया के अंदर स्मॉल बिजनेसेस का। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे क्या रोल रहेगा स्मॉल बिजनेसेस का रूरल इंडिया के अंदर और क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी छोटे बिजनेसेस को इंडिया के अंदर। दोनों ही चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन रूरल इंडिया। प्रोवाइड इम्प्लीमेंट इन रूरल एरियाज। कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड इम्प्लीमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरियाज एज दीज आर लेबर ओरिएंटेड इंटरप्राइजेज। इन इंडिया रूरल एरियाज एम्पली लेबर इज अवेलेबल। इन रूरल एरियाज सिंपली लेबर इज अवेलेबल आएगा, ये एस शायद गलती से मिसप्रिंट हो गया है, एरिया एस इस साइड आ गया है, एरियाज के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है, तो सिंपली लेबर इज अवेलेबल। देखो रूरल एरियाज के अंदर लेबर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पहले के टाइम पे एजुकेटेड पीपल नहीं होते थे, एजुकेशन वहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, तो दैट्स वाई लेबर्स वहाँ पे इजीली अवेलेबल आपको हो जाती थी। तो रूरल एरियाज के लिए बेनिफिशियल था वो चीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी वहाँ पे। इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम टू द रूरल हाउसहोल्ड्स। SSI इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल लिविंग इन दोज एरियाज। स्टैंडर्ड जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो रूरल एरियाज के अंदर क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन भी उनकी इम्प्रूव होगी, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होगा। प्रिवेंट माइग्रेशन। डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड विलेज इंडस्ट्री कैन ऑल्सो प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन टू द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, अब जैसे कोई भी बच्चा है 10th क्लास के अंदर था, 10th क्लास से वो 11th क्लास के अंदर जा रहा है, उसका स्कूल चेंज करवा रहे हैं, तो आप सभी ने ये बात सुनी भी होगी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लो, मतलब यहाँ से आप दूसरी जगह जाने के लिए एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि यू कैन चेंज द स्कूल, मतलब किसी जगह को चेंज करके जाना। अब लोग क्या करते थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, पैसा कमाने के लिए, नौकरियों के लिए बाहर की अर्बन एरियाज के अंदर जाते थे, सिटीज के अंदर जाते थे, तो वो चीज़ कम हो जाएगी, प्रिवेंट होगी, क्योंकि उनको रूरल एरिया के अंदर काम मिल जाएगा। यूटिलाइज ऑफ लोकल रिसोर्सेज। SSI यूज लोकल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल कोर वुड एंड अदर प्रोडक्ट्स, जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं वो भी यूटिलाइज हो जाते थे, जैसे लकड़ी वगैरह है, प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाते थे। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशनल इनकम। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। दिस हेल्प टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन द कंट्री। देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जो भी रेशनल इनकम होती है, जो छोटे बिजनेसेस होते थे, इंडस्ट्रीज होती थी, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते थे नेशनल इनकम का। ये चीज़ जो है वो रिड्यूस करती है कि क्या डिफरेंस होता है रिच और पुअर के अंदर, बट ऐसा कुछ अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा, रिच रिच ही रहते हैं, पुअर पुअर ही रहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं कम कर पा रहा उस चीज़ का, अमीर अमीर ही हैं, गरीब गरीब ही हैं। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। दीज इंटरप्राइजेज आर ऑफन डिपेंडिंग ऑन द लोकल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। दीज वे इंडस्ट्री डू नॉट जस्ट लिमिट देमसेल्फ टू द पर्टिकुलर प्लेस बट डाइवर्सिटी। दीज हेल्प इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। देखो ये जो हमें बता रहे हैं कि डाइवर्स किया गया है, ये डिपेंड अकेले ये नहीं है कि भाई हम अर्बन में ही रहेंगे या फिर यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छे होते यहीं पे करेंगे, नहीं, फिर चीज़ें जो हैं वो डाइवर्स की गई एक दूसरी प्लेस के ऊपर, एक दूसरी जगहों के ऊपर, कि नहीं हम यहाँ पे भी चीज़ें करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन होया करेगी, यहाँ पे भी चीज़ें डेवलप की जाएंगी, तो लोकल एरियाज को भी डेवलप किया गया, उस वजह से क्या हो गया, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होती गई। और आज के टाइम पर आपने देखा होगा रूरल एरियाज और जो अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मेनली प्रॉब्लम क्या आती है छोटे बिजनेसेस के अंदर, प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एक सिंपल सी बात अगर मुझे आप बताएंगे तो, अब हम कोई भी प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो हमें दिक्कत कहाँ पे आती है। सबसे मेन जो हमारी दिक्कत आती है वो आती है पैसे की,
और सारे काम तो अपने आप हो जाते हैं। अगर पैसा आपके पास है तो ऑटोमेटिकली आपके सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी फाइनेंस की प्रॉब्लम अराइज हुई। फाइनेंस नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट फंड इन ऑर्डर टू कैरी आउट बिजनेस ऑपरेशंस इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बैंक सिट एट अ ग्रांट टू फाइनेंशियल हेल्प टू दीज यूनिट्स। प्रॉब्लम आती है स्मॉल स्केल में, वो क्या आती है? वो फाइनेंस की आती है, बट बैंक ने ग्रांट दी कि भाई हम आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल एंड पावर। स्मॉल स्केल यूनिट्स आर अनेबल टू बाय रॉ मटेरियल इन बल्क ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स एंड स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज ऑफ अ पावर इज अनदर फैक्टर विच लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अ प्लांट कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो छोटे बिजनेसेस होती हैं उनके पास फंड ही नहीं होता है। अब फंड नहीं होगा तो वो बल्क में सामान नहीं उठा सकते। बल्क में मतलब क्या होता है, ज़्यादा नहीं उठा सकते। बल्क मतलब ज़्यादा ज़्यादा सामान नहीं ले पाएंगे वो। दूसरी चीज़, दूसरी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है स्टोरेज की। उनके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं होती है जहाँ पे वो अपने जो सामान उन्होंने बल्क में उठाया वो उसको स्टोर कर पाए। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। थर्ड प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की। स्मॉल स्केल यूनिट जनरली फेस डिफिकल्टी इन मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज दे आर हार्डली एनी फंड फॉर एडवर्टाइजिंग और सेल प्रमोशन। दे डिपेंड ऑन इंटरमीडिएटर हु एक्सप्लॉइट्स देम। देखो मेनली हर एक बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम फाइनेंस की रहेगी। हर पॉइंट के अंदर हमने पहले का पॉइंट पढ़ा, उसमें भी फाइनेंस की दिक्कत थी। रॉ मटेरियल भी हम फंड की वजह से नहीं खरीद पा रहे ना, फाइनेंस के अंदर तो थी फाइनेंस की दिक्कत। मार्केटिंग के अंदर भी फाइनेंस की दिक्कत है कि उनके पास इतना फंड ही नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन करवा पाए। वो डिपेंड करते हैं इंटरमीडिएटर्स के ऊपर और जो उनका फ़ायदा उठाते हैं, तो उनके पास इतना फंड ही नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट के अंदर भी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, वो भी फाइनेंस की दिक्कत है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी हम मॉडर्न नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। मेजोरिटी ऑफ स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज आर यूज ओल्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड न्यू टेक्निक्स मशीन एंड इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइज प्रोडक्ट्स। एज अ रिजल्ट देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। सिंपल सी चीज़ है भाई, पैसा नहीं उनके पास, वो ओल्ड टेक्निक को यूज़ करें, पुरानी टेक्निक्स को यूज़ करें, वो अफोर्ड नहीं कर सकते नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स एंड नए इक्विपमेंट्स को, और इस वजह से वो मॉडर्न प्रोडक्ट्स को भी नहीं बना पाएंगे। तो उसकी वजह से उनको प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगती है क्योंकि वो ओल्ड टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं भाई। घुमा फिरा के दिक्कत पैसे की होती है। फिफ्थ हमारी प्रॉब्लम है कंपटीशन। स्मॉल स्केल फर्म्स फेस कंपटीशन नॉट ओनली फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्री बट ऑल्सो फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनीज। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, जो बड़े बड़े बिजनेस है उनसे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। उनके पास इतना फंडिंग नहीं होता है, वो तो एडवर्टाइजमेंट भी करवाते हैं, प्रमोशंस भी करवाते हैं, उनके पास मॉडर्न टेक्निक्स भी होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है उनको। और मल्टीनेशनल कंपनीज से भी उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जो अदर प्रॉब्लम्स है वो हैं मैनेजर एफिशिएंसी नहीं होती उनके पास, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस गुड्स, लेबर प्रॉब्लम आती है, बर्डन ऑफ लोकल टैक्स, लोकल टैक्स देने की उनके ऊपर बर्डन होता है, पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी, उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो पुअर होती है। देखो एक चीज़ आपने देखी होगी, मेनली प्रॉब्लम पैसे की है। अब पैसा हर इंसान की ज़रूरत बन गई है, एक इंसान हर चीज़ के बिना रह सकता है बट पैसे के बिना यहाँ पे इस दुनिया के अंदर सर्वाइवल नहीं है उसके लिए, क्योंकि पैसा नहीं है तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपके पास पैसा है तो आपको सब पूछेंगे। तो मेनली प्रॉब्लम हमारे पैसे की है। देखो हमने चार पॉइंट के अंदर पैसा ही पढ़ा है, फाइनेंस, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल फंड की वजह से नहीं हो पा रहा है और टेक्नोलॉजी हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। फोर्थ में आया है कंपटीशन। कंपटीशन भी हम नहीं, तभी हम बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम प्रमोशन नहीं करवा पाएंगे उस तरीके का, तो वही प्रॉब्लम्स है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हमने स्टडी किया कि क्या रोल रहता है छोटे बिजनेसेस का इंडिया के ऊपर, रूरल एरियाज के, और क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।